बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। लगातार वो सुर्खियों में चल रहे हैं और लगातार सुबह से ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं #कर्पूरी ठाकुर। तो ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर ये कर्पूरी ठाकुर है कौन। तो आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को इस बार सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा, यानी कि भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर की पहचान एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और राजनीतिज्ञ के रूप में होती है। वे बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। यही वजह है उनकी लोकप्रियता का कि उन्हें जननायक भी कहा जाता है। अब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो एक बार फिर से ट्रेंड में आ गए, सुर्खियों में आ गए हैं और लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो आइए जानते हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में कि आखिर वो कौन थे और कैसे उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। कर्पूरी ठाकुर को बिहार की सियासत में सामाजिक न्याय की अलख जगाने वाला नेता माना जाता है। कर्पूरी ठाकुर साधारण नाई परिवार में जन्मे थे। कहा जाता है कि पूरी जिंदगी उन्होंने कांग्रेस विरोधी राजनीति की और अपना सियासी मुकाम हासिल किया। यहाँ तक कि आपातकाल के दौरान तमाम कोशिशों के बावजूद भी इंदिरा गांधी उन्हें गिरफ्तार नहीं करवा पाई थी। कर्पूरी ठाकुर 1970 में पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। 22 दिसंबर 1970 को उन्होंने अपनी पहली बार बिहार राज्य की कमान संभाली थी। उनका पहला कार्यकाल महज 163 दिन का रहा था। 1977 की लहर में जनता ने उन्हें एक बार फिर से जिताया और जब जनता पार्टी को भारी जीत मिली तब कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। अपना यह कार्यकाल भी वह पूरा नहीं कर सके। इसके बाद भी महज 2 साल से भी कम समय में उन्होंने समाज के दबे पिछड़ों लोगों के हितों के में काम करना शुरू कर दिया। बिहार में मैट्रिक तक की पढ़ाई उन्होंने मुफ्त कर दी। वहीं राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य कर दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल में गरीबों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के हक में ऐसे तमाम काम किए जिससे बिहार की सियासत में आमूलचूल परिवर्तन आया। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ। वो बिहार की सियासत में समाजवाद का बड़ा चेहरा बन गए। बिहार में समाजवाद की राजनीति कर रहे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर के ही सागिर्द हैं। जनता पार्टी के दौर में लालू और नीतीश ने कर्पूरी ठाकुर की उंगली पकड़कर सियासत में चलना सीखा। ऐसे में जब लालू बिहार की सत्ता में आए तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के कामों को आगे बढ़ाया। वहीं नीतीश कुमार ने भी अति पिछड़े समुदाय के हक के लिए कई काम किए। सन 1988 में कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया, लेकिन इतने साल बाद भी वो बिहार के पिछड़े और अति पिछड़े मतदाताओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों की आबादी करीब 52% है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी पकड़ बनाने के मकसद से कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हैं और राजनीति में उसका इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि 2020 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कर्पूरी ठाकुर सुविधा केंद्र खोलने का ऐलान किया था।